तो आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं रेडमी 9 पावर की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले खोल दे इसके डिब्बे को, डिब्बे में क्या क्या मिलता है क्या क्या नहीं सब हम आपको इसमें बताएंगे। और एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहता हूँ कि कोई भी आप ऑनलाइन सामान मंगवाते हो तो उसके अनबॉक्स करके जाते कैमरे के सामने करिएगा, क्योंकि आजकल फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप खुद भी जानते हो। तो कोई भी चीज़ मंगाते हो तो कैमरे के सामने ही खोलिए। तो चलिए इसको देख लेते हैं भाई इसका सब वर्क। तो चलिए करते हैं इसके अनबॉक्सिंग, खोलते इसको, देखते इसमें क्या क्या मिलता है। तो खुल जा सिम, जल्दी खुल जा भाई। इसमें सबसे पहले ऊपर देखते क्या मिलता है अपन को। तो इसमें हमें मिला है, इसमें एक कवर मिला है। सबसे पहले इसमें कवर तो आजकल सभी मोबाइलों में आने लग गए हैं। इसमें पहले हमें कुछ लव लेटर भी देखने को मिला है, जो कि हम लव लेटर नहीं पढ़ते तो साइड में पटक दो। इसमें एक वाइट कवर मिला है जो कि थोड़े दिन में पीला पड़ जाएगा जी, ये पीला पड़ जाता है बहुत जल्दी, तो इसको कुछ काम का नहीं है। मोबाइल के साथ तो कवर लेना ही पड़ेगा। इसके डिब्बे में हमें एक चार्जर एंड एक डाटा केबल दोनों देखने को मिल जाएंगे, और कुछ इसके चार्ज में उसके पता जा तक नहीं देखने को कुछ नहीं मिलेगा, और कुछ नहीं है इसमें। और इसमें आपको एक सिम इजेक्टर टूल मिल जाएगा जो कि कुछ भी काम का नहीं है, किसी भी चीज़ से आप खोल सकते हो, जैसे कि पिन होगी, मम्मी की पिन ले लो यार, बट सिम इजेक्टर टूल तो हो ही था पाए कंपनी ने, इसमें आपको फ़ोन भी दे दिया है जी हाँ, कंपनी ने आपको इसमें फ़ोन भी दिया है। इसका वजन थोड़ा ज़्यादा लग रहा है और इनकी शाइनिंग भी बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो चलिए इसको कर लेते हैं स्टार्ट। स्टार्ट हो जा जल्दी से। तो स्टार्ट हो रहा है। इसकी डिस्प्ले भी देखने थोड़ी बड़ी लग रही है, जिससे मैं सोच रहा था उससे थोड़ी बड़ी लग रही है मुझे। तो इसको कवर लगा लेते हैं। वैसे भी कवर तो नया लाना ही पड़ेगा क्योंकि थोड़े दिन में पीला पड़ जाता है। मेरा जो दूसरा फ़ोन था उसके भी कुछ दिनों में पीला पड़ गया था, तो कवर की कोई ये नहीं देता। लग जा भाई लग जा, एक कवर नहीं लग रहा साला, लग जा जल्दी लग जा भाई। लग गया। इसमें कैमरे भी अच्छा खासा दे दिया। चल चले सेटअप कर लेते हैं पहले इसको, फिर आपको उसके चीज़ों के बारे में बताते हैं, इसमें क्या क्या आया है क्या क्या नहीं आया है। भाई इसमें फ्लैश भी आई है ऊपर यार, नोटिफिकेशन फ्लैश में आप ऊपर देख सकते हो नोटिफिकेशन फ्लैश है। ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि आजकल नोटिफिकेशन फ्लैश बहुत कम मोबाइल में आती है। इसमें नोटिफिकेशन फ्लैश दी गई है ऊपर की साइड पर, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। जिसमें सिम मांग रहे तो सिम अभी नहीं डालेंगे हम, चलिए इसको कर लेते हैं। हो जा भैया, गूगल भी नहीं डालना अभी। तुम हमारा मोबाइल जो स्टार्ट होने लग गया है, स्टार्ट हो जा जल्दी से भाई जल्दी। और भाई मोबाइल देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जिसमें चार्जिंग है एंड जो ईयरफोन का लगाना है वह ऊपर दिया हुआ है, देख सकते हो आप। इसमें कैमरे की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है मैंने सुना था, तो अभी टेस्ट करेंगे कैमरा भी इसका। तो पहले इसको स्टार्ट हो जाने तो कैमरे में इसमें सही है, कर लेते हैं इसको स्टार्ट। तो भाई हमारा मोबाइल हो गया है लगभग लगभग स्टार्ट। हो जा सिम जल्दी हो जा भाई, कंप्लीट भाई। कुछ भी नया मोबाइल स्टार्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है यार भाई, ऐसा क्या करना रहता है। हाँ सही है, लैंग्वेज वैंग्वेज सिलेक्ट करनी रहती है। अब आपको पता है, हाँ हमने जो ये वेरियंट है वो 465 का मंगवाया है, साथ इसका जो कैमरा है 48 मेगापिक्सल का कैमरा है, साथ इसमें आपको जो बैटरी मिलती है 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। साथ ही प्रोसेसर आपको इसमें 662 का स्नैपड्रैगन क्वालकॉम 662 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा खासा प्रोसेसर है। तो पल जल्दी स्टार्ट हो जा, हमें कैमरे के फ़ोटो देखने हैं। अगर आप नॉर्मल गेमिंग के लिए मोबाइल को लेना चाहते हो तो ले सकते हो, नॉर्मल गेमिंग आप आराम से कर पाओगे। तो चलिए हमारा मोबाइल स्टार्ट हो गया है। तो उसको सेट करने के बाद हम सबसे पहले करते हैं इसका कैमरा टेस्ट, इसका कैमरा कैसे आया तो कैमरा टेस्ट करते हैं। हाँ लेते एक सेल्फी, पहले एक ऐसा करते हैं अपने एक बिग फोटो लेते हैं, इसमें बिग फोटो लेके देखते हैं इसमें कुछ सेटअप करना है, तो सेटअप कर लेते हैं। अभी एक बिग फोटो लेके देखते हैं।
स्पीड बहुत अच्छी है कैमरे की, शटर स्पीड अच्छी है इसकी, फोटो भी बहुत ज़्यादा अच्छी आई है इसकी। और एक सेल्फी कैमरा लेके देखते, सेल्फी फ़ोटो लेके देखते हैं इसमें अपनी। अरे आजा सेल्फी ले, तो चलिए इसमें आपको मोड भी बहुत सारे देखने को मिलेंगे, अपन लेते इसमें अच्छी सी सेल में आई, तो चलिए करते सेल्फी लेते एक। सेल्फी काफ़ी अच्छी खासी आ गई है इसमें यार। इसका कैमरे, अगर कैमरे के लिए मोबाइल लेने की सोच रहे हो तो बहुत अच्छा है आपके लिए ये।